बुखार के चंगल से निकलते ही नहीं आप लगा। अब वो इन्हें 8,160 रुपये है। अब वो एक पे कितना इंटरेस्ट मारता उन्हें मालूम आपको? हर महीना 1,500 रुपये इंटरेस्ट मारता उन्हें। ये आठ महीने के बोले, तीन महीने के बोले तो 25,000 रुपये ये हो गए, हर महीने के 1,500 रुपये, टोटल 30,000 रुपये बनना उसको। कौन मदद करते आपकी बोलो? अब यहाँ दवा को पैसे नहीं है, 100 रुपये किसी के जेब में नहीं है, दो दो लॉकडाउन, दो दो रमज़ान, बच्चों के स्कूल खुल रही। सोचना आप लगा, भी सोचते नहीं समझते नहीं जाके आप लगा परेशान हो रहे, कर देता सीज उन्हें, उसकी जगह आप भी रहे तो करते हो काम। देखो माँ, करोना तो सब कुछ हुआ, कौन बचे हुए है बोलो आप करोना से? आप मेरे को ये बताइए, करोना से कौन बचे हुए है? हर घर में हो रहा ना करोना, क्या ज्यादा हो गया था? बच्चों को बाजू घटाओ। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट में मैं एडमिट थी सर, उसके बाद में 6-7 दिन के बाद में मैं डिस्चार्ज। ये हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ट्रस्ट है, वो हॉस्पिटल है वहाँ पे सर, लोकेशन इंजेक्शन सब बाहर से मिला। और तो क्या खर्चा आया आप इसमें? इसमें 7,000 रुपये में ली थी सर खर्च। हाँ नहीं, नहीं, ये हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन वाले तो फ्री में करते ना इलाज? एडमिट फ्री में करे, मेरे को दवाएं देते थे उसके लगा, उसके बाद में बहुत पब्लिक बाहर से इंजेक्शन मंगाया। हाँ नहीं नहीं, आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हेल्पिंग होम फाउंडेशन 15,000 घर का किराया, ये 25,000। आप नहीं सुन, आप घुमा फिरा के बात मत करो, आप सीधी सीधी बात करो। आप मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि ये सूद बट्टे का कारोबार क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऑटो किराए का भी चलाए तो आमदनी होती ना? नहीं, वो किराया देने का वही फाइनेंस के कितना रहता है किराया? हाँ यही चाहते आप लगा। वो फाइनेंसर क्या करते हैं आपको बोलते हैं खाली किराए का दे डालो आप, आपका ऑटो जाती हो जाता। हुआ आपका ऑटो जाती अभी तक? कितने इंस्टॉलमेंट में बात हुई थी टोटल? कितने बने अभी तक? खाली 4 बने, खाली 2 बने, 36 में 2 बने। आप अब ये कोरोना और एक साल तक चलता और एक साल कारोबार नहीं होता, जब कैसा करते आप लोग? अब और एक साल तक कोरोना चलता जब कैसा करते? अब आप बेच भी नहीं सकते, आप ऑटो बेच भी नहीं सकते, हम कैसा बेच सकते बोलो? अब ये जो एडवांस कितने दिए आप? 50 देना था, 40 दिए। सुनिए आप क्या क्या गलती करे आप लगा। 50,000 रुपये ऑटो के देना था, 10,000 रुपये उन्हें सूद पे दिया आपको? नहीं दिया उन्हें, नहीं देता। कहाँ तक पड़े हुए आप? समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ सर? पहले 10,000 रुपये सूद पे ले लिए आप लगा, फिर बाद में ये इंटरेस्ट पे लिए, ये कितने बन रहे हैं? उसको 1,000 रुपये बनना, पूरी मेहनत करना, लेके जाके सूद खार को पालना। आप मेरे को जो है आपका अकाउंट नंबर, ये गूगल पे नंबर करके लाओ। माँ नहीं है वो, देखो ऐसा किसी एक का फैमिली मेंबर में आपका, आपका अकाउंट नंबर, आपका जीपे नंबर, जिसके नाम पे अकाउंट है उनके नाम पे जीपे लेके आओ, ठीक है? ठीक है, वो सब मैं समझा दिया आपकी बच्ची को क्या करना है, वो करा लेके लेके आओ, मैं करा देता हूँ। नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ था। आपका क्या है? ऑपरेशन हुआ था मेरा, बोले ऑपरेशन हुआ था, ये बाल डाले गए थे। ठीक है, दो बाल डाले थे। बोलो माँ क्या है उसके आगे बोलो। 1.5 लाख रुपये खर्चा है। 1.5 लाख रुपये खर्चा? किसको देना है? माए देखे और सुनो मेरी बात, अगर कोई दवाखाने में एडमिट है, कोई इलाज कराना है बोले तो कोई भी मदद करते। मैं खर्जा कर ली, खर्जा फेड़ो बोले तो कोई भी मदद नहीं करते। आप ऑपरेशन को लिए होंगे, आप जो है शादी करने को लिए होंगे, आप कोई भी लिए होंगे। आप 1.5 लाख रुपए आप आपकी वालदा से खर्जा लिए बोल रही? 1 लाख रुपए लिए। मुश्किल है माँ, देखो ये बात जमने वाली नहीं है। आप लिए होंगे मैं यकीन कर रहा हूँ, मगर मैं सामने वाले को कैसा यकीन दिलाऊं बोला?
हर्जे करे तो कोई भी नहीं फेरते, वो ऑटो का फाइनेंस और किराया क्या है मैं करा देता हूँ, वो अकाउंट नंबर जी पे नंबर लेके आओ, ठीक है, जिसका नाम पे अकाउंट है उनके नाम पे जी पे लेके आओ, उठो जाओ, इनको समझाते हैं आप वहाँ जाओ, उन्हें समझाते हैं, आइए अम्मा आप जरा समझना बात को, आप जाओ मैं उन्हें समझ लेके जाऊँ, आप जाओ माँ मैं समझाया ना उनको आपकी बच्ची को, आइए इनको पकड़ के लेके जाओ उधर, बोलिए मैं क्या नाम है आपका, मेरा जैनब है, जैनब है, कहाँ रहते हैं आप, काले पत्थर, आपके हस्बैंड का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद है, खाली मोहम्मद, आपके हस्बैंड का नाम पूछा मैं, आप साथ हैं इनके, क्या होना आप, बैठो इधर आओ, बोलिए क्या, किसको एडमिट कराना है, आपके शोहर को एडमिट कराना है, क्या क्या है प्रॉब्लम, क्या है, 10,000 के टेस्ट हैं उनको, ये इलाज करते हुए 10,000 के टेस्ट हैं सब, बहुत सांस प्रॉब्लम भी हो रहा, लीवर खराब हो गया, बोले बहुत परेशान हूँ सब, 2 साल से करिए इलाज इनका, नहीं माँ अब आप जो अब लेटेस्ट कहाँ है उनको बताए सो आप, एडमिट कराओ, बोले हालत नहीं है मेरे, पैसे नहीं दे सकती मैं, इलाज नहीं करा सकती, 2 साल से कराए सब चीज़ा वीज़ा रखा के करा दी, अब कुछ नहीं है मेरे पास, ये आप 3 तारीख को बताइए, तो कान बताए नीम्स में बताए ना, आपके लिए व्हाइट कार्ड नहीं है, व्हाइट कार्ड पे नहीं हो रहा इलाज, जब पहले नहीं लेते थे, अब पैसे लिए परसों गए तो इलाज, हाँ 300 रुपये फीस पहले नहीं लेते थे, डॉक्टर फीस नहीं लेते थे, अब 300 रुपये फीस भी होगी नहीं, चलो ठीक है, अब आप मेरे को ये बोलो ये टेस्टों कितने पैसे हो रहे हैं, वो टेस्टों को 10,000 हो रहे साहब, 10,000 कौन से क्या टेस्ट है मैं, ये कहाँ कराओ बोले टेस्ट है ये, जी आपका नहीं अकाउंट नंबर है आपका नहीं, उनका नहीं है, इनका है लेकिन गूगल पे सस्पेंड हो गया इनका, मेरा है, आप बेटी है ना आप, जी हाँ, आपकी शादी हो गई, जी हो गई आपकी शादी, हाँ, मेरे पास इनके अकाउंट में पैसा है, बाद में इनके शोहर नहीं निकालने दिए तो, आप जरा सुनो माँ ऐसा हुआ साबेखा में, थोड़ी मदद करे थे पहले, जी कितने बच्चे आपको, मेरे को 4 बेटियां हैं साहब, बच्चों को भी शादी करो, बोरे पैसा नहीं है शादी करने, 4 बेटियां हैं आपको, 2 बेटियों की शादी हो गई, 2 बेटों की, ठीक है, आप आपके वालदा का अकाउंट नंबर है, कराओ जी पे, वो कितनी देर, 10 मिनट की बात है, हमारे लोग कर देते, आप जाओ उनका, आइए आप अकाउंट गूगल पे पूरा करा के लेके आओ, मेरे लेके आओ, बीच लाओ माँ, जी क्या है बच्ची का, तो उनखने गूगल पे है उनखने, ठीक है डाल देंगे आपका, डाल देंगे, आप जाओ ऊपर ऑफिस पर बैठो, चलो आप बोलिए माँ, बैठिए बैठिए आराम से बैठिए, साथ है आप बैठ, बोलिए बोलिए, महीने को, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम आपका, नाम क्या है, मोहम्मद शेख नूरुल्लाह, मोहम्मद शेख नूरुल्लाह,